नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं भारत की बात। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून यानी आज से ठीक 25 दिन बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, जिसे आप सबसे तेजी से एबीपी न्यूज पर देखेंगे। 2024 की चुनावी पिक्चर का क्लाइमेक्स भले ही रिजल्ट हो, लेकिन प्रचार के मैदान में आ रही तस्वीरें भी जबरदस्त रोमांच पैदा कर रही हैं। आज आपको वो तमाम खबरें भी दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि तिहाड़ से अंतरिम जमानत पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल प्रचार के मैदान में क्या नया करने वाले हैं, दिल्ली के सीएम का पहला चुनावी संदेश क्या है। इसके साथ ही बात होगी हैदराबाद की, जहां असदुद्दीन ओवैसी ने जुबानी जंग में तोप की एंट्री करा दी है। इसे 15 मिनट बनाम 15 सेकंड पर भिड़ंत दिलचस्प हो गई है। इसके साथ ही भारत की बात में आज आप यूपी की रणभूमि में राहुल और अखिलेश की चौथी कसम देखेंगे। दोनों की साझा सभाओं ने कन्नौज से कानपुर तक कैसा माहौल बनाया, इसकी पूरी रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें देख लीजिए जो इस चुनाव की कुरुक्षेत्र की सुर्खियों में शुमार। झमाझम बारिश होती रही और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत बिना छतरी के प्रचार करती रही। ये वीडियो मनाली का बताया जा रहा है, जहां कंगना ने भींगते हुए लोगों के आगे अपनी बात रखी। अग्निवीर योजना के मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी पर लगातार हमले कर रहा है। बिहार के उजियारपुर के मोहनपुर में चुनावी सभा के दौरान तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना के नाम पर युवाओं को गुमराह किया। यूपी में देवरिया से बीजेपी प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी पर्चा भरने के लिए दौड़ लगाकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। 15 मिनट की देरी हो जाती तो पर्चा ही नहीं भर पाते। दरअसल दोपहर में वो एक चुनावी सभा में थे, जहां उन्हें समय का अंदाजा ही नहीं रहा। तेलंगाना के आदिलाबाद में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर के काफिले पर पथराव हो गया। रोड शो के दौरान प्रदर्शनकारियों ने टमाटर और हरी सब्जियां भी फेंकी। आरोप है कि केटीआर ने भगवान राम पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा के पंचकूला में रोड शो किया। उन्होंने लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। हरियाणा के सभी 10 लोकसभा सीटों पर छठे दौर में यानी 25 मई को वोटिंग होगी। यूपी की गोरखपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने पर्चा भर दिया। इससे पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। गोरखपुर में रवि किशन का मुकाबला समाजवादी पार्टी की काजल निषाद से होगा। काजल ने भी आज ही पर्चा दाखिल किया। बिहार के बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रोड शो किया। जय श्री राम के नारों के बीच गाड़ियों का काफिला लेकर वे साहेबपुर कमाल पहुंचे और वोट की अपील की। गिरिराज का मुकाबला सीपीआई के अवधेश राय से है। झारखंड की गोड्डा सीट से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने पर्चा भर दिया। इससे पहले उन्होंने देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा की, फिर ट्रेन से गोड्डा पहुंचे। निशिकांत दुबे का मुकाबला कांग्रेस के प्रदीप यादव से होगा। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर सीट से पर्चा भर दिया। इससे पहले उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और कहा कि संदेश खाली के नाम पर बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की गई। चुनावी माहौल के बीच भोपाल में अशोका गार्डन कॉलोनी के एक मकान से लाखों का कैश बरामद किया गया। एमपी पुलिस हवाला के एंगल से मामले की जांच कर रही है। इनकम टैक्स विभाग भी मामले की जांच में जुट गया है। पढ़ते आगे, 49 दिन के बाद आज अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आ गए। केजरीवाल ने कहा कि हनुमान जी के आशीर्वाद से वो बाहर निकले हैं। उनके स्वागत के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मौजूद दिखे। अब कल सुबह केजरीवाल सबसे पहले दिल्ली के हनुमान मंदिर जाएंगे और उसके बाद दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जेल से निकलते ही केजरीवाल ने पहला हमला मोदी सरकार पर किया। उन्होंने कहा कि देश को तानाशाही से बचाना है। उधर बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि केजरीवाल को 2 जून को लौटकर वापस तिहाड़ जाना है।
इसे महज इत्तेफाक कहें या कुछ और, जो अरविंद केजरीवाल पहली बार 49 दिन के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, वो 49 दिनों तक तिहाड़ में रहने के बाद अंतरिम जमानत पर रिहा हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ उन्हें जमानत दी है। पहली शर्त यही है कि सातवें चरण का चुनाव खत्म होने के बाद 2 जून को वापस सरेंडर करना होगा। 23 दिन की आजादी में वो न तो सीएम ऑफिस जाएंगे और न ही दिल्ली सचिवालय। सीएम केजरीवाल को किसी भी फाइल पर दस्तखत करने की अनुमति भी नहीं है। अगर कुछ जरूरी होगा तो फाइल पर साइन करने के लिए LG से अनुमति लेनी होगी। इस केस में अपनी भूमिका को लेकर कोई भी बयान नहीं देंगे और शराब घोटाले में जो गवाह है उनसे किसी तरह का संपर्क नहीं करना होगा। जब ये इंट्रीम ऑर्डर पास हो रहा था तब ईडी के वकील SG और SG मौखिक रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर कि कैंपेन के ऊपर वो कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे ऑब्जेक्शंस को दरकिनार करते हुए कहा कि नहीं, हम जब इन्हें कैंपेन के लिए रिलीज कर रहे हैं क्या कह सकते हैं और ये क्या नहीं कह सकते उस पर हम कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करेंगे। कोर्ट से जैसे ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने की खबर आई, पार्टी के नेताओं के चेहरे चमक उठे। भव्य स्वागत की तैयारियां शुरू हो गईं और इसे सत्य की जीत बताया गया। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया जो तानाशाही है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी, उसका अंत होगा। अब देश केजरीवाल का कमाल देखेगा। ये सत्य की विजय है, ये लोकतंत्र की विजय है, ये इस देश के संविधान की विजय है। भगवान भी संकेत दे रहे हैं कि तानाशाही खत्म करने का समय आ गया है। ये भगवान ये कोई रची हुई कोई चीज है जिसके लिए बाहर आएंगे। अरविंद केजरीवाल जब गरजेंगे तो उसकी गूंज देश में नहीं विदेशों तक जाएगी। केजरीवाल को जमानत मिलने पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी इसे बड़ी जीत बता रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। केजरीवाल के जेल से बाहर आने की वजह से आम आदमी पार्टी के प्रचार को भी धार मिलेगी। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है। यहाँ 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी मैदान में है। हरियाणा में भी 25 मई को वोटिंग में आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी है, जबकि पंजाब में 1 जून को वोटिंग है। यहां सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी ताल ठोक रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता भले खुश हों, लेकिन BJP कह रही अंतरिम जमानत का मतलब ये कतई नहीं कि वो अपराध से मुक्त हो गए हैं। चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली है और 1 जून तक मिली है, उसके बाद क्या? अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। किसी व्यक्ति के आने नहीं आने से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अब चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत भले मिल गई है, लेकिन 2 जून की रोटी उन्हें तिहाड़ में ही खानी पड़ेगी। वही हैदराबाद में आर पार की जुबानी आंधी चल रही है। यहां चुनावी मुकाबले की आंच इतनी तेज है कि इसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। वजह है 15 मिनट बनाम 15 सेकंड का विवाद। आज असदुद्दीन ओवैसी ने इस विवाद में तोप की एंट्री करा दी। उन्होंने अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन की तुलना तोप से करते हुए BJP को अल्टीमेटम दे डाला। वो MP साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे को रोक के रखा हो, अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मजर आराम कर दो, तुम संभाल दो, फिर तुम संभालो, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम, तुमको तोप है वो बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। हैदराबाद की फिजा में जुबानी तोप चलाए जा रहे हैं। BJP नेता नवनीत राणा के 15 सेकंड के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी आपे से बाहर हो गए। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है,
बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग? अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल दे रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। मुद्दा वही 15 मिनट बनाम 15 सेकंड का था, लेकिन 24 घंटे के भीतर बोल बदल गए। जुबान से ऐसे शब्द निकले जिसने सबको हैरान कर दिया। ओवैसी अपनी रॉ में थे और यूं ही बहते चले गए। हैदराबाद से चुनाव लड़ रहे AIMIM के अध्यक्ष ने अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी के हमले का हिसाब बराबर करने के लिए दिल्ली तक को ललकार दिया। 15 सेकंड का थे इनको 15 सेकंड? मुर्गी का बच्चा हूं मैं? 15 सेकंड का थे? बोलो ना कहां पे आना आता हूं मैं, तुम्हारे पप्पा से पूछो, दिल्ली वाले पप्पा से पूछ के बताओ मेरे को, तुम्हारे घर पे आऊं, तुम्हारे ऑफिस पे आऊं, कहां पे आऊं बताओ? 15 सेकंड ये कर देंगे? अरे क्या मुल्क है ये, क्या है यहाँ पर? साफ लग रहा है कि हैदराबाद में चुनावी बिरयानी को अपने लिहाज से पकाने के लिए जुबानी आग तेज की जा रही है। उधर बीजेपी नेता नवनीत राणा अपने बयान पर कायम है। क्या देशाचा नावच हिंदुस्तान है? त्या हिंदुस्तान मध्ये या पाकिस्तानचे जोडे औलाद आहे, ते येऊन आम्हाला जर धमकी देत असेल तर त्याला उत्तर देण्यासाठी माझा हा उत्तर, त्या उत्तर सोबत मी ठाम आहे। त्यांना 15 मिनिट लागत असेल तर आम्हाला 15 सेकंडच लागत असेल। वार पलटवार का ये अंदाज बता रहा कि 15 मिनट बनाम 15 सेकंड की ये जंग हैदराबाद से होती हुई अमरावती और दिल्ली तक का ही माहौल नहीं गर्मा रही, बल्कि ये पूरे देश में वोट बैंक के नए ध्रुवीकरण का हथियार बन रही है। वही शाम होते होते पीएम मोदी ने भी हैदराबाद में एंट्री ली। उन्होंने सिर्फ ओवैसी नहीं बल्कि पीआरएस और कांग्रेस तक से हिसाब बराबर कर लिया। यहां हैदराबाद में भी एमआईएम को इसलिए ही खुली छूट दी गई है, वोट बैंक ना नाराज हो जाए इसी डर से ना तो कांग्रेस और ना ही पीआरएस हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाना चाहती है। लेकिन अब बीजेपी ने हैदराबाद को इस खौफ से मुक्ति दिलाने की ठानी है। फिलहाल बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां चुनावी रणभूमि में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साझा शक्ति प्रदर्शन किया। दोनों के निशाने पर पीएम मोदी थे तो एक दूसरे की तारीफ में भी दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अखिलेश यादव ने कहा कि मोहब्बत और सुगंध मिल जाए तो क्या कमाल नहीं हो सकता, तो राहुल ने कहा कि मैं लिख कर दे रहा हूं कि यूपी में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। राहुल ने यह भी दावा किया कि इस बार यूपी में इंडिया गठबंधन 80 में से 50 सीट जीतेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। अगर मोहब्बत और सुगंध मिल जाए तो सोचो कितना परिवर्तन हो सकता है। गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। कन्नौज से राहुल गांधी ने मोदी सरकार की विदाई की भविष्यवाणी की तो कानपुर पहुंचते पहुंचते यूपी में इंडिया गठबंधन की सीटों का आंकड़ा भी सामने रख दिया। 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को 50 से कम एक सीट नहीं मिलने वाली है। ये पहली बार था जब राहुल गांधी ने यूपी में इंडिया गठबंधन की सीटों की भविष्यवाणी की हो। उधर अखिलेश का दावा है कि चौथे चरण में बीजेपी का संतुलन बिगड़ने वाला है। ये चौथा चरण ही भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस खराब कर देगा और अब तो केवल चार कदम हमें चलना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया करने के लिए। 13 मई को चौथे चरण का चुनाव है।
और इस दौर में कन्नौज कानपुर समेत यूपी की जिन 13 सीटों पर वोटिंग होगी उन सभी पर 2019 में बीजेपी ने ही जीत दर्ज की थी। अब इंडिया गठबंधन का दावा है कि यूपी की हवा बदल चुकी है। ये सरकार बिजली नहीं बना रही, बिजली का बिल महंगा कर रहा है। इनकी सरकार में लीकेज के साथ साथ मीटर की भी रफ्तार बढ़ गई है। इस कानपुर को हम लोग कामपुर बनाना चाहते हैं, काम ज्यादा हो लोगों के पास। अब युवाओं को बात समझ आई, राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्या करना चाहते हैं देश के लिए, अब आपको समझ आई बात, मोदी गया। दोनों नेता अलग अलग तरीके से बीजेपी पर हमलावर हैं। कानपुर से राहुल गांधी ने एक बार फिर अंबानी अदानी का नाम लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया, मगर अब जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने दो मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूँ, मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ। इंडिया गठबंधन के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन बीजेपी इस बार यूपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने की बात कह रही है। पलटवार सपा के साथ साथ कांग्रेस पर भी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई पार्टी है, चुनावी पार्टी, मनमर्जी पार्टी है, लखनऊ पार्टी है। पिछले दो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश बीजेपी की बड़ी ताकत बनकर उभरा है। अब इस बार भी बीजेपी इस राज्य में बेहतर करती है तो दिल्ली का रास्ता फिर से आसान हो जाएगा। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के एक वायरल बयान ने बीजेपी को बड़ा मुद्दा थमा दिया है। बयान पाकिस्तान से जुड़ा है, जिसमें वो भारत सरकार को पाकिस्तान की इज्जत करने की नसीहत देते दिखाई दे रहे हैं। अय्यर 2014 में भी पीएम मोदी पर निजी टिप्पणी कर चुनाव प्रचार का रुख मोड़ चुके हैं, तब भी कांग्रेस ने उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया था। इस बार ही ऐसा ही हुआ है, लेकिन बीजेपी अब इसको मुद्दे को हथियार बना चुकी है। बीजेपी को जिस बात की कमियां कर रही थी आखिरकार वो पूरी हो गई। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के एक वायरल बयान ने चुनावी घमासान के बीच एंट्री ले ली और इसने 24 के महाभारत में 2014 जैसा सीन क्रिएट कर दिया। इस बयान में मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के एटम बम पर चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वे कहते नजर आ रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान को इज्जत नहीं देंगे तो वो भारत पर एटमी हमला करने की भी सोच सकता है। ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको, लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे तो कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा। मणिशंकर अय्यर वायरल वीडियो में भारत सरकार को ये नसीहत भी देते दिख रहे कि अगर देश को विश्वगुरु बनाना है तो क्या करना होगा। तो हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्वगुरु बनना हो तो ये जरूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। एटम बम की वजह से पाकिस्तान को इज्जत देने और उससे बातचीत की ये नसीहत चुनाव के माहौल को नए मुकाम पर ले गई। बीजेपी को जैसे इसी मौके का इंतजार था। और जिन्हें भारत की सेना पर भरोसा नहीं है तो उन्हें भारत में रहने की जगह पाकिस्तान जाना चाहिए। ये मणिशंकर अय्यर को कहीं अपना दिमागी इलाज कराना चाहिए। ये कांग्रेसी वाला भारत नहीं रहा, ये भारत अभी बहुत शक्तिशाली हो गया, ये मोदी जी का भारत है। पाकिस्तान बाप बाप करता, माँ माँ माई माई करता है। दुश्मन को दुश्मन की भाषा में जवाब देना, वो प्रिंसिपल होना चाहिए। उधर कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर के बयान से फौरन पल्ला झाड़ लिया। पार्टी ने मणिशंकर के वीडियो को पुराना बताया और इसे उनकी निजी राय करार दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री मणिशंकर अय्यर की कुछ पुरानी टिप्पणियां, जिनको आज भाजपा पुनर्जीवित कर रही है, उन टिप्पणियों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने आप को अलग मानती है और उनसे पूरी तरह से असहमत है। दिलचस्प बात यह है कि मणिशंकर अय्यर के बयान का वायरल हो रहा वीडियो वाकई पुराना है। चिलपिल नाम के YouTube चैनल पर यह 3 हफ्ते पहले ही अपलोड किया गया था। इंटरव्यू 1 घंटे 23 मिनट लंबा है, जिसका 1 मिनट 39 सेकंड का हिस्सा ही अब वायरल हो रहा है। यानी पुरानी बात पर नया विवाद सरगर्म है।
चौथे चरण के चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आज बड़ी बात कही। उन्होंने न सिर्फ तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया बल्कि यह भी इशारा किया कि इस बार सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून की दिशा में आगे बढ़ सकती है। पश्चिम बंगाल में अमित शाह से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता श्रीनिवास। ये अपार भीड़ रानीगंज में थी। आप आपके कैमरामैन को कहो आगे और पीछे दिखाए, किलोमीटरों तक लोग मोदी जी के समर्थन में, आहलूवालिया जी के समर्थन में आए हुए दिखाई पड़े हैं। हम प्रचंड बहुमत से बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। सर, हमने सुना था कि दिल्ली का रास्ता तय करने के रास्ता यूपी से जाता है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 400 पार करने का रास्ता बंगाल से जाएगा। नहीं, बंगाल की जनता का भी हमें बहुत प्रचंड समर्थन है। सर इस बार हम क्या उम्मीद करें, कितनी सीटों की उम्मीद करें बंगाल से? हम 30 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, 30 से ज्यादा। सर ये बताइए, सर अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये दिखाया गया कि आजादी के बाद से हिंदू जनसंख्या जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हुई है, मुस्लिम फर्टिलिटी रेट बढ़ी है। देखिए, रिपोर्ट बहुत चिंताजनक है। जिस प्रकार से जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, पूरे देश ने इस पर सोचने की जरूरत है। सर क्या इस रिपोर्ट ने हमें यह इशारा किया कि अब जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लाना चाहिए? देखिए, इस पर एक बार देश में बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। अगली संसद में सोचे सर यह जनसंख्या नियंत्रण कानून जो अगली संसद बनेगी उसमें? अभी पहले एक बार बहस होनी चाहिए, खुली चर्चा होनी। तो आप देख सकते हैं कि अमित शाह जी एक अपार रोड शो को अभी संबोधित करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल का रानीगंज है और अभी अभी अमित शाह जी ने बड़ी खुली बात की। इन्होंने चिंता जाहिर की उस रिपोर्ट पे जिस